जाते हैं। सम फार्मूले के बारे में जानेंगे। मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल में कस्टमर नेम, पार्ट नंबर, प्रोडक्ट नंबर, क्वांटिटी डिस्पैच, हेयर क्वांटिटी डिस्पैच है। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सम फार्मूला लगा हुआ है। इस सम फार्मूले में इस टोटल टेबल में जितने भी डिस्पैचेस है, यहाँ हमें सम मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, इसको लगाते कैसे है? सो फ्रेंड्स, जस्ट क्लिक वेयर यू वांट योर रिजल्ट्स एंड एंटर इक्वल टू सम, डबल क्लिक ऑन इट एंड सिलेक्ट द रेंज फ्रॉम विच योर रिजल्ट्स आर देयर, एंटर। दिस इज व्हाट सम, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट फ्रेस इक्वल टू सम एंड डबल क्लिक ऑन इट सिलेक्ट योर इनपुट डाटा, प्रेस एंटर। सो फ्रेंड्स, हम अभी मैक्स फार्मूले के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, क्लिक वेयर यू वांट योर रिजल्ट्स इक्वल टू मैक्स, डबल क्लिक ऑन इट एंड सिलेक्ट योर इनपुट डाटा फ्रॉम विच यू वांट योर मैक्स वैल्यू, एंटर। सो फ्रेंड्स, इस वैल्यू में सबसे मैक्स वैल्यू कौन सी है? 1500। सो हमें यह 1500 वैल्यू मिल गई। सो फ्रेंड्स, सेम इन द केस, इफ यू वांट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द दिस डाटा, यू कैन जस्ट सिंपली एंटर इक्वल टू मिनिमम एंड डबल क्लिक ऑन इट एंड सिलेक्ट द डाटा फ्रॉम विच यू वांट योर रिजल्ट्स, एंटर। सो फ्रेंड्स, देखिए इस डाटा में 95 सबसे कम वैल्यू है। सो वो वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे पास जो डाटा है, इस डाटा में से हमें अभी जो क्वांटिटी डिस्पैच हुई, टोटल क्वांटिटी कितनी डिस्पैच हुई है विथ पर्टिकुलर, मतलब कोई भी पर्टिकुलर रेफरेंस नंबर से, आप रेफरेंस नेम से, मतलब अगर आपको कस्टमर नेम से, इस कस्टमर का पर्टिकुलर कस्टमर नेम से आपको क्वांटिटी कितना डिस्पैच हुआ है वो जानना है। मतलब अभी वेरॉक का है, इधर दिखाई दे रहा है वेरॉक है, वेरॉक का डिस्पैच 460 हुआ है। सो फ्रेंड्स, मीन्स आपको अगर किसी पर्टिकुलर कस्टमर की क्वांटिटी डिस्पैच कितनी हुई है वो पता करना है, तो आप इस सम फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हु एवर हु मॉनिटर्स द डिस्पैचेस। सो फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला। सो फ्रेंड्स, हेयर आई हैव क्रिएटेड अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो दिस इज़ वेरी ऑल्सो सिंपल दैट टू अप्लाई द ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो फ्रेंड्स, इट्स कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द डाटा एंड देर इज हेयर इज अ डाटा वेलिडेशन आइकॉन। फ्रॉम दिस आइकॉन यू कैन अप्लाई डाटा वेलिडेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो फ्रेंड्स, आई विल शो यू हाउ इट कैन बी अप्लाइड। क्लिक ऑन द डाटा, फर्स्ट आई विल रिमूव दिस डाटा वेलिडेशन प्रीवियस। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ कोई भी डाटा वेलिडेशन नहीं है, अभी मैंने रिमूव कर दिया है। सो अभी हमें डाटा वेलिडेशन कस्टमर की नेम के ड्रॉप डाउन लिस्ट जनरेट करनी है, तो हमें डाटा पे जाएंगे, ड्रॉप इधर जो आइकॉन है इधर क्लिक करेंगे, यहाँ लिस्ट सिलेक्ट करेंगे और सोर्स में जो हमारा इनपुट डाटा है, मतलब कस्टमर नेम चाहिए हमें, तो हमें कस्टमर नेम पे सिलेक्ट करेंगे। आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो प्रेस ओके, सो यू कैन सी द ड्रॉप डाउन लिस्ट जनरेटेड हेयर। सो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे सम इफ फार्मूला कैसे लगाते हैं। जस्ट प्रेस इक्वल टू सम इफ, डबल क्लिक ऑन इट। अभी वो रेंज पूछ रहा है, रेंज मीन्स हमारा कस्टमर नेम की लिस्ट कहाँ है। सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर कस्टमर नेम लिस्ट, सिलेक्ट हेयर, यू कैन सिलेक्ट दिस सच वे ऑल्सो, प्रेस कॉमा। अभी क्राइटेरिया पूछ रहा है। सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर क्राइटेरिया, बिकॉज हमें इस यहाँ हम कस्टमर नेम रहेगा हमारा और जो कि हमारा रेफरेंस है। सो फ्रेंड्स, क्राइटेरिया है कॉमा। अभी सम रेंज पूछ रहा है, मीन्स कौन से डाटा को से आप सम क्वांटिटी लेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर सम रेंज, प्रेस एंटर। सो फ्रेंड्स, सिलेक्ट हेयर नेम ऑफ कस्टमर। सो सी द डिस्पैच क्वांटिटी ऑफ प्रॉम्प्टम ग्रीव्स। सो फ्रेंड्स, बाय सिलेक्टिंग योर कस्टमर नेम यू कैन गेट
the quantity dispatched. So friends, अभी next formula है sum ifs. So friends, sum if and sum ifs, it's a they are same, but the difference is that in sum ifs you can apply for more than one condition. So friends, if you want that the customer RML and of that customer a particular part names dispatch quantity, so means more than one condition you can apply for this form. From this formula you can get that. So friends, I have created here also a drop down list of customer, part name, and here is a quantity dispatch. If I select a customer, that force motor, here is showing zero, because for the force motor there is a no a part of plate is a part of RML, so it is showing zero. So friends, force motor's part is gear, so I select gear. See the dispatch quantity. So friends, how to apply it, this formula? So friends, I will do this. So friends, equal to sum ifs, do not set this, sum ifs. If you want the more than one conditions, you select this sum ifs. अभी सम रेंज के लिए पूछ रहा है, अभी सम रेंज हमारी है, कौन से डाटा से हमको क्वांटिटी सम करना है. सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर सेम रेंज, हमारा क्राइटेरिया रेंज वन. अभी पहला क्राइटेरिया, हमारा पहला क्राइटेरिया है कस्टमर, बाद में पार्ट नेम. सो फ्रेंड्स, क्राइटेरिया रेंज की जो लिस्ट है वो सिलेक्ट करेंगे पहले हम, ओके कॉमा. अभी क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट किया, अभी उसमें से क्राइटेरिया कौन सा चाहिए, सो हमें फोर्स मोटर चाहिए. सो फ्रेंड्स, प्रेस कॉमा. अभी जो सेकंड कंडीशन चाहिए ओ है जो पार्ट नेम. सो दिस इज आवर रेंज, पार्ट नेम, दिस द लिस्ट इज द रेंज, प्रेस कॉमा. क्राइटेरिया टू, व्हाट इज आवर क्राइटेरिया टू, पार्ट नेम इज आवर क्राइटेरिया. सो फ्रेंड्स, इफ यू वांट दैट मोर देन टू कंडीशंस, यू कैन आल्सो apply for part number, or you can add a date column here, and you can add one conditions also by pressing, just pressing comma, you can get the criteria range 3. So friends, I want currently the two, from two conditions, so enter, this formula is sufficient, press enter. So friends, this is how the sum if formula we can apply. आप वीडियो को स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं, आपका अगर आपको कंफ्यूजन है तो, नहीं तो मैं आपको फिर से बताता हूँ. इक्वल टू सम इफ्स, डबल क्लिक ऑन इट, सम रेंज, दिस इज आवर सम रेंज, द डाटा फ्रॉम विच यू वांट योर रिजल्ट, सम वैल्यू रिजल्ट्स, दैट इज आवर सम रेंज. क्राइटेरिया रेंज वन, अभी क्राइटेरिया रेंज वन हमारे दो क्राइटेरिया है, कस्टमर और पार्ट नेम. सो फ्रेंड्स, क्राइटेरिया रेंज, हमारी जो कस्टमर नेम की जो लिस्ट है, दैट इज अवर क्राइटेरिया रेंज वन, प्लस कॉमा, व्हाट्स अवर क्राइटेरिया, फोर्स मोटर, दैट्स कस्टमर. अभी क्राइटेरिया कॉमा प्रेस कीजिए, और क्राइटेरिया रेंज टू पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज टू है हमारा पार्ट नेम, दिस इज अवर पार्ट नेम लिस्ट, प्रेस कॉमा. अभी क्राइटेरिया टू पूछ रहा है, अभी दिस इज द पार्ट नेम, प्रेस एंटर. सो सी द सम वैल्यू ऑफ दैट फोर्स मोटर कस्टमर एंड फोर्स मोटर कस्टमर्स, वी हैव डिस्पैच द गियर्स टू फोर्स मोटर नंबर ऑफ 867. सो फ्रेंड्स, बाय सिलेक्टिंग द कस्टमर नेम, सेम आई हैव सिलेक्टेड एंड्रोन्स, एंड द एंड्रोन्स वी प्रोवाइड डिस्क, सो सिलेक्ट डिस्क, दिस इज द 234 क्वांटिटी डिस्पैच. सो फ्रेंड्स, this is how the sum if formula. So friends, now hum VLOOKUP ke bare mein janenge. VLOOKUP formula, it's a very nice formula, that from some reference value you can get the so from some reference value you can get the output, desired output. Some means that by pressing the part number you will get the part names. That's a very simple formula. So I have applied this formula, so I have the so much
part numbers. If I enter this form part name REM985, enter. So you can see the part name here. Means by entering the part number, you can get the part name. So friends, how to apply it? Phrase equal to VLOOKUP. Double click on it. It asks four conditions that you want lookup value, table array, column index number, range lookup. So friends, lookup value जो रहता है, जो हमारी reference, कौन से reference values हमें output चाहिए. So हमारी lookup value array की. Press comma, table array, कौन से table से हम value, the data from which you want. This is our data. So friends, table array select करते समय जो आपकी lookup value है, जो कि टेबल में है, वहाँ से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. मतलब आपकी अभी पार्ट नंबर चाहिए आपको, तो आप पार्ट नंबर से ही टेबल सिलेक्ट करेंगे. अगर आप टेबल यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा. सो फ्रेंड्स, मींस द लुकअप वैल्यू शुड बी द लेफ्ट मोस्ट कॉलम इन द सिलेक्टेड टेबल. सो मींस दिस टेबल विल बी सुटेबल. सो फ्रेंड्स, टेबल अरे then comma, what's our column index number, from the leftmost value you have to count 1, 2. The part name is the second number, the column is the second number, so you have to, your column index number is 2. Press comma. It's asking for range lookup, true or false. Here you have to just press 0 and enter. So friends, see the results. So friends, it's also simple. So friends, go to HLOOKUP. It's same as VLOOKUP, but in the VLOOKUP, the data tables are in vertically arranged, and in HLOOKUP, the data is arranged in horizontally. If the data arranged in horizontally, you have to use HLOOKUP formula. So friends, I have applied here VLOOKUP formula. Sorry, HLOOKUP formula. So friends, how to apply it? HLOOKUP. So friends, equal to HLOOKUP. Double click on it. It's asking for lookup value. So friends, I previously just told that lookup value is the value from that reference you will get your output. So friends, lookup value, जाके हम हमारा reference value press करेंगे, that is the our lookup value. Press comma, table array. It's asking for table array. This is our, in this, in HLOOKUP, uppermost column will be our lookup value. So friends, this is the table you have to select. You have not to select this table. The uppermost, the lookup value should be uppermost. If you select this data, your table array, that desired output you will not get. So friends, the uppermost column will be your lookup value. Press comma. It's asking for row index number. What's our row index number? 1, 2. The second row is our row index number, because we want product name, that is the, so it is second number. So press 2. It's asking for true or false range lookup. So press 0 simply and enter. So friends, it's showing error. Why is it showing error? Because we have not entered part number. If we enter part number BA323, enter. That's so friends, for the errors there is also a solution. If you want that when you have not entered part number and this error should not be shown, you can apply that formula. You can write the formula in front of that, your formula, that if error, double click on it, at the last press comma, error agar aaye to kya aana chahiye. So I press double semicolon and enter. Double semicolon shows that blank, the cell should be blank. If I
pray, enter that in semicolon, enter part number. So friends, see, means in that semicolon, whatever you enter, the value will be shown, or the name or value you enter will be shown instead of error. So friends, अब average formula के बारे में जानेंगे. Average formula is also simple, that you will show I have applied here average formula and the dispatches quantities average is showing here. So friends, it's a very simple. Just select a cell where you want result equal to average. Just type enter, just type average, double click on it, select the range from which you want your average value, enter. This is very simple. So friends, ab hum subtotal formula ke bare mein janenge. So friends, subtotal formula is very important. Subtotal formula se hum it's very important when you are using a data with a filter functions. Means if you apply filter to some of the customers, means and you want the data, see here that there are three customers and the sum of here, means accordingly you select the customers, the sum will be changes. Means with the filter data you selected, the value gets changing. So it doesn't happen with the simple formulas we have seen, that sum formulas. So for the filter functions you are using, you have to use the subtotal formula. I have applied here subtotal sum formula here. So when I want the sum of only the selected customers, so I will get the output. So friends, how to apply it? So friends, first of all, how to apply filter function? If you have, you don't know, I will show. So friends, select the cell where you want to apply filter. So friends, firstly, how to remove it? So friends, on home tab, here is the sort and filter function. Here is the I have removed the filter function. So friends, how to again it apply? On home tab, go to sort and filter, apply filter, so you can easily apply filter function. So friends, how to apply subtotal formula? So friends, just enter equal to subtotal, double click on it. What you want to do, that there are number of functions you want, you can do. So friends, we will use sum. Click on sum, double click on it, there is a function number is 9, press comma, select the reference data from which you want your results, that enter. This is how we apply the subtotal formula. You can same apply for your average value, means press subtotal, double click on it. Here are number of options, means where you apply for average, for sum value, for max value, minimum value. Accordingly, it changes accordingly the you apply for filter. So it's a very beautiful functions that you can use. So friends, go to if function. So friends, see here, I have data. That's customer name, part number, product name. Here is the schedule, and here is the dispatch quantity. So friends, if I complete my here, I have applied written if functions formula, that it is showing that if I completed my dispatch, it is showing completed, or if I could not meet the schedule, it has shown not completed yet. So how to create it, how the comments are generated? So friends, it's happened due to the if functions. So friends, you can create it, you can get us the comments as per the conditions. The conditions may be for time, for which
So friends, I have applied here for quantity. So friends, how to apply it? Friends, with this data you can get some, if I want filter that only completed this page should be shown, that I can filter here is and completed. So friends, these are the four customers for which I could complete the dispatch. So friends, and not completed it, these are the customers. So friends, how to create such a formula? If I will delete first this, delete, you require for that schedule and the quantity dispatch. So press equal to if, just press if, double click on it. It's asking for logical test. What logical test you want? So click the dispatch quantity and enter equal to or greater than, means if 1200 is equal to or greater than this value, press comma. If this condition meets, then what you want? Value of true, means F2, which is our F2? F2 is 1200. If 1200 is greater, is equal to or greater than E2, E2 means this E2, 1200, this schedule, then what should happen? Value of true, then press comment. A completed comment should be appear. So friends, double semicolon, keep it in mind when you want comments, semicolon is important. Agar aapko koi comment aap chahte hai to aapko semicolon mein hi press karni hogi. So friends, enter completed, semicolon complete, press comma. Agar a condition meet nahi hoti, means F2 is equal to or greater than E2, agar a condition meet nahi hoti to kya aana chahiye? Not completed yet. So it's also should be written in semicolon, not completed yet. See friends, see the structure, it's a very simple structure. F2, it should be equal to or greater than E2. What if agar aap condition true ho jati hai, matlab condition meet ho jati hai, matlab 1200 aur ye 1200 ye dono equal to aur ye dispatch quantity usse zyada hai to kya aayega? Completed. Aur agar वो क्वांटिटी अगर मैच, मतलब अगर कंडीशन मीट नहीं होती तो क्या आना चाहिए. सो दिस इज द स्ट्रक्चर, कीप इट इन माइंड. एंटर, जस्ट ड्रैग इट डाउन, द फार्मूला विल बी अप्लाई टू ऑल ऑफ द सेल्स. दिस इज वेरी सिंपल फार्मूला, यू कैन यूज, ट्राई इट, स्क्रॉल द वीडियोस, यू कैन सी. सो फ्रेंड्स, सी द नेक्स्ट फार्मूला, काउंट इफ. काउंट इफ फार्मूला, अगर हमें पर्टिकुलर पार्ट कितनी बार डिस्पैच हुआ है, अगर वो हमें चाहिए, अगर वो हमें वो डाटा, वी वांट्स दैट डाटा, सो पर्टिकुलर पार्ट हाउ मेनी टाइम्स इट हैज़ डिस्पैच्ड, सो वी कैन गेट फ्रॉम दिस फार्मूला. सो फ्रेंड्स, सी हियर, इफ आई सिलेक्ट लीवर, आई हैव, मीन्स द लीवर डिस्पैच हैज़ टू टाइम्स, हियर लीवर एंड हियर लीवर. सो here is in this data there is a lever name comes two times, so the two, if I select bracket, there is a one, because bracket name, here is a only one bracket name, so it has shown one. So how to apply this formula? So equal to count if, double click on it, range, it's asking for range, part name, range. So this is our range. Press comma. What's our criteria? This is our criteria. Press enter. So this is how count if is used. So friends, AND function. So friends, AND function is very useful. If you add two cells, you can add it.
or you can add number of sales, 3 sales, 4 sales, number of sales you can combine. So friends, I have combined 2 sales, customer name and part number. So how to do this? So friends, delete is very simple. Just press equal to, select the first cell, press and, select the part number, enter. So friends, see here, both are joined here. So friends, if I want space in between them, you can add a one more and function, and here in between this you can add double semicolon. Semicolon means there will be blank value. In this semicolon you have to I will write a you can write any functions here. I will press underscore, so press enter. Here you can see the underscore has spaced these 2 cells. Drop. See, this is very simple. You can use, try it, see the videos again and again. If you are not getting, it's very simple and you can do this. Okay, so friends, main aasha karta hu ki aapko sabhi formula ke bare mein jankari ho gayi hai, aur aap kisi bhi formula mein abhi bhi dikkat aa rahi hai to aap फिर से वीडियो देख सकते हैं. सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर. सो फ्रेंड्स, कमेंट बिलो इफ यू वांट्स एनी मोर रिक्वायरमेंट.